हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटर वाली चाट। टमाटर वाली चाट फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और बड़े बच्चों को सभी को पसंद आने वाली है। आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। ये टमाटर चाट जो हम बनाते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। टमाटर चाट बनाना है तो टमाटर तो हमें लेना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा टमाटर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 टमाटो को कट कर लिया है इस तरह पीसेस में। आप पीसेस छोटे बड़े अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और हम देख लेते हैं हमें टमाटर चाट बनाने के लिए क्या चाहिए। थोड़े से हमें चाहिए बॉईल और मैश किए हुए आलू, थोड़े से ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की आलू को लेकर बॉईल करके छील के मैश कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। और हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है। और लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे और बड़े हम सब तो सभी तो बोर हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे, और ठेले वाली चाट को तो सभी में मिस कर रहे हैं। तो अब नहीं मिस करेंगे, ऐसे बनाएंगे आप अगर चाट तो। और इसमें ज़्यादा चीज़ भी नहीं लगती। यहाँ पर मैंने देखे थोड़ी सी ये पपड़ी ले रखी है, आप इसमें फुल्की ले सकते हैं, फुल्की को तोड़ के डाल सकते हैं उसकी पपड़ी को। यहाँ पर एक प्याज कटी हुई, थोड़ा सा ले रखा है रिफाइंड ऑयल, और यहाँ पे लिया है मैंने भुंजिया। और हम देख लेते हैं सेव ले रखी है मैंने, ये बेसन की सेव, ये मेरी होममेड सेव थी। और ले लेते हैं हम देखिए हल्दी पाउडर, यहाँ पे ले रखा है मैंने आमचूर पाउडर, और ये लिया है तीखे के लिए ये तीखा लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा। और चाट मसाला बना रहे हैं तो हम चाट मसाला तो ज़रूर से ज़रूर लगेगी। और यहाँ पर ले रखे मैंने पीनट्स, पीनट्स थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच ले रखा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह छोले ले सकते हैं, मटर बॉईल करके मटर भी डाल सकते हैं। और ये ले रखे मैंने इमली की चटनी, गर्म पानी में इमली को भिगा के, और थोड़ा सा इसको मैंने पानी में भिगाने के बाद पानी निकाल लिया है। और इमली के बीज को मतलब थोड़ा सा कूंच लेंगे आप थोड़ा सा खलबट्टे में, और फिर उसके बाद गर्म पानी में भिगाएंगे इमली को, तो ऐसे ही आपका भी कलर निकल आएगा जूस। और यहाँ पर ले रखे मैंने मीठी सॉस, आप तीखी भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं तीखी हरी चटनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ले रखी है और हरी मिर्च भी ले रखी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ये रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह बटर ले सकते हैं। अच्छे से हम रिफाइंड ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। रिफाइंड ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं पीनट्स, और पीनट्स को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तेल में, हम पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वरना कच्चापन रहेगा तो अच्छा नहीं आएगा खाने में। आप इसको भुनी हुई और तेल में कढ़ी हुई भी ले सकते हैं पीनट्स को, और अगर कढ़ी हुई नहीं है तो फ्रेश लेकर, जैसे मैं अभी तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ, आप ऐसे भी फ्राई करके ले सकते हैं। पीनट्स हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, ये चटकने लगी है और बीच से फटने लगी है, अलग होने लगी है, देखिए अच्छी तरीके से अलग हो रही है, तो इसका मतलब ये पक चुकी है। तो सारे पीनट्स को हम निकाल लेते हैं बाहर। सारी पीनट्स को हमने गरम तेल से निकाल लिया है बाहर, अच्छी तरीके से ये भुन चुके हैं, खुशबू आने लगी है और तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जीरा, जीरे को हमें अभी डालना है। अब हम डाल देते हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, और इनको हम थोड़ी देर पका लेते हैं। बस हमें थोड़ा सा ही पकाना है इनको, हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हमें इनको पकाना था। और ये पक चुके हैं, अब हम इस पे डाल देते हैं ये कटे हुए सारे टमाटो, और इनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। अच्छी तरीके से देखिए टमाटो हमारा अच्छे से पक रहा है, तो अब हम इनको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। साथ में डाल देते हैं नमक ताकि टमाटो हमारा अच्छे से गल जाए, अच्छी तरह से जल्दी पके। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, इतना नमक हम डाल देते हैं, और नमक को भी हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम इसे कवर कर देते हैं। ढक्कन को मैंने इसके ऊपर से हटा दिया है, और ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक चुका है, तो हमें इस तरीके से इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके पकाना होगा ताकि अच्छे से टमाटो जो हमारे हैं मैश हो जाएं। पकाते रहना है और ऐसे मिक्स करते हुए ऐसे दबा दबा के हमें पकाना है अपनी टमाटर चाट को। टमाटो देखिए हमारा अच्छी तरीके से मैश हो गया है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें आलू को, ये मैश की हुई उबली हुई आलू,
इसको हम डाल देते हैं और टमाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया से हमें मिक्स करना है टमाटर और आलू को। आलू को हमने टमाटर के साथ देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। मसाले क्या डालना है वो भी हम देख लेते हैं। ये तीखी लाल मिर्च डाल देते हैं हम, और ये डाल देते हैं अमचूर पाउडर, साथ में डाल देते हैं हल्दी मसाला, हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अपने आलू और टमाटो में बढ़िया तरीके से। अब हम डालेंगे इसमें ये चटनी, थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आप इमली की चटनी डाल देंगे चाट में, तो टमाटर चाट में। और साथ में अब हम डाल देते हैं ये अपनी मीठी वाली थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा ही हम डालेंगे 2 चम्मच, और थोड़ी सी हमने उसे भी बचा ली है अभी बाद में थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं अपनी चाट में बढ़िया तरीके से, और कुछ देर हम इन्हें ऐसे ही पका लेते हैं मिक्स करते हुए। चाट हमारा बनकर एकदम अच्छी तरीके से तैयार है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं अपने चाट को इस तरीके से। एक प्लेट में यहाँ पे निकाल लिया है, 2 प्लेट में मैंने अपने चाट को। ये बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। पास से देखिए कलर कितना नाइस आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनी है। तो अब थोड़ा सा हम इनको करते हैं डेकोरेशन, और डेकोरेशन करने के लिए मैंने ऐसा इसके ऊपर से डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इमली की चटनी से। और अब हम डाल देते हैं ये जो हमने मीठी वाली सॉस बचा के रखी थी थोड़ी सी, उसे भी हम थोड़ा सा तरीके से डाल देते हैं अपने चाट के ऊपर, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमने थोड़ी सी कटी हुई मिर्च बचा ली थी, उसे हम 1-2 इस तरीके से डाल देते हैं, ताकि खाने में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। थोड़ा सा चटपटा रहता है चाट, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और साथ में हम डाल देते हैं ये थोड़ा थोड़ा आमचूर पाउडर, सारा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऐसे उठा के, और थोड़ा थोड़ा हम बचा भी लेते हैं। और डाल देते हैं अब हम ये पीनट्स जो हमने बना कर रखी थी, अच्छे से हम डाल देते हैं। अगर आपके पास छोले हो तो आप छोले थोड़े से बना लीजिए और छोले को डाल दीजिए इसमें। इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बासी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मैं सारा खा लूँ। अब हम डाल देते हैं ये कटी हुई अपनी प्याज, इस तरीके से ऊपर से ही हमें डालना है प्याज को, ऐसे दोनों में हम डाल देते हैं प्याज को भी। अब हम डाल देते हैं इसमें ये अपनी भुंजिया, और भुंजिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। भुंजिया को इस तरीके से ऊपर से डाल देते हैं। जब हम ठेले पे हम खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है खाना, और हम देखते रह जाते हैं, और देखते देखते वो कितनी बढ़िया तरीके से चाट हमें बना के और हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। तो अब हम थोड़ी सी ये पपड़ी को डाल देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे दबा के ऐसे डाल देते हैं। यही सब तो डालते हैं ना ठेले वाले, और हम बहुत ही चाव से खाते हैं वहाँ पे जाके। थोड़ा सा इसे दबा के हम डालेंगे पपड़ी को। डालने के बाद देखिए कितना ज़्यादा ये क्यूट लगने लगा है, बिल्कुल ठेले वाले चाट की तरह। तो अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें आमचूर का पाउडर और ऊपर से, सॉरी चाट मसाला, ताकि हमारा चाट वाला फ्लेवर अच्छे से बना रहे इस तरीके से। और थोड़ी सी और डाल देते हैं 1-2 ऊपर से प्याज, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी ये धनिया, इस तरीके से बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस इतना ही थोड़ा सा हम डालेंगे। और इसमें भी हम डाल देते हैं, और देखिए बढ़िया तरीके से हमारी चाट बनकर तैयार है। लीजिए आप भी खा लीजिए, और बताइए मुझे कैसा बना है हमारा चाट, टमाटर चाट। ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है घर पर, और बहुत कम सामान से बनता है, और बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। इनकी खुशबू तो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है कि चाट आपके घर पे बन रहा है, इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है। तो अब हम किसी को भी इसे सर्व कर सकते हैं, किसी को भी सर्व करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप फटाफट से लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर तो बिल्कुल भूला ही ना करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।